हेलो फ्रेंड्स, हिलमा की फटाफट रसोई में स्वागत है। आज हम बनाएंगे परवल आलू की सब्ज़ी। चलिए बनाना शुरू करते हैं। मैंने लिया है एक सर्विंग स्पून तेल। अब हम इसे अच्छे से गर्म होने देंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारा तेल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे एक पिंच जीरा, एक पिंच अजवाइन। अब हम इसमें डाल देंगे आलू। हमें इसे ज़्यादा नहीं पकाना है, थोड़ा सा ही पकाना है। उसके बाद हम डालेंगे अपनी परवल। देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो आलू है वो करीब एक मिनट पक चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे जो हमने परवल काट के रखी है। अब हम इसे अच्छे से मिला लेंगे। डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, हल्दी पाउडर आधा छोटा चम्मच। अब हम इसे अच्छे से मिला के ढक के पकाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब हम इसे बीच बीच में से चलाते ही जाएंगे ताकि हमारा सब्जी जले ना। अब हम इसे फिर से ढक देंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारा सब्जी पक रहा है। बीच बीच में हम इसे चलाते ही जाएंगे, इसे लगे ना नीचे। हम इसे फिर से ढक के पकाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारा सब्जी, अब हम आलू को चेक कर लेंगे कि पका है कि नहीं। हमने 3 से 4 बार बीच बीच में हिला दिया है। अभी थोड़ी कसर है आलू में, तो हम और पकाएंगे इसे ढक के। देखिए फ्रेंड्स, हमारी सब्जी, हम इसे हिला देंगे। भी कसर है, हम फिर से ढक के पकाएंगे। हमने 4 से 5 बार अच्छे से हिलाया है ताकि हमारी सब्जी जले ना। फिर से ढक के पकाएंगे इसे। चलिए फ्रेंड्स, हम अपनी सब्जी को चेक कर लेंगे। देखिए, हमारा जो आलू है वो बिल्कुल पक चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे मसाले। एक छोटा चम्मच धनिया पाउडर, आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 2 पिंच अमचूर पाउडर। अब हम इसे अच्छे से मिला लेंगे। मैंने लास्ट में मसाला इसलिए डाला है कि लास्ट में डालने से मसाला नहीं चलता है और मसाले की खुशबू भी बहुत बढ़िया आती है और अच्छी सब्जी की शक्ल भी दिखती है। देखिए फ्रेंड्स, हमारी सब्जी हो गई है बिल्कुल तैयार। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया कलर आया है और कितनी अच्छी लग रही है। देखिए फ्रेंड्स, हमारा सब्जी बिल्कुल रेडी है। आप चाहें तो ऊपर से धनिया पत्ती भी डाल के गार्निश कर सकते हैं। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि अगली बार जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन पहले आ जाए। थैंक यू, बाय बाय।